हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम HTML के बारे में जानेंगे। HTML सब्जेक्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस HTML की सहायता से हम किसी भी वेब पेज या वेबसाइट को बनाते हैं। HTML के जो वेब पेज या वेबसाइट बनते हैं, जैसे कि आप कोई भी एक पेज खोलते हो तो उसे हम वेब पेज बोलते हैं। जब हम दो या दो से अधिक पेजों को आपस में लिंक कर लेते हैं तो उसे हम एक वेबसाइट बोलते हैं। और वेबसाइट के बारे में जानने के लिए हमें HTML पढ़ना आवश्यक रहेगा। जो हमारी वेबसाइट होती है वो भी टू टाइप्स की होती है, एक स्टैटिक और दूसरी डायनामिक। दोनों एक जैसी देखने में लगती हैं, दोनों में एनिमेशंस होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑप्शंस होते हैं सारे, कई सारे पेजेस भी होते हैं, कलरफुल होती हैं, चेंजेस ही रहता है। जो स्टैटिक वेबसाइट होती है उसमें हम अपना फीडबैक या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, और जो हमारी डायनामिक वेबसाइट होती है इसमें हम अपना फीडबैक दे सकते हैं। लॉगिन होता है, स्टूडेंट लॉगिन, एडमिन लॉगिन, इस टाइप के इसमें ऑप्शन होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं डायनामिक वेबसाइट। और आगे हम जो वेबसाइट या वेब पेज बनाएंगे इसके लिए हमें HTML जानना है। तो इसके लिए एक यहाँ मैंने सिंपल एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है HTML। HTML का भी मैंने आपको फुल फॉर्म बताया ही, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जब हम पढ़ते हैं तो सिंपल हमें नोटपैड चाहिए होता है। आप विंडोज यूजर हैं तो आपके सिस्टम में आपके पास नोटपैड होगा और इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का एक सॉफ्टवेयर ब्राउजर आपके पास होगा। सिंपल आपको नोटपैड पे टाइप करना होता है, .html से अपनी फाइल को सेव करेंगे और किसी भी ब्राउजर पे रन करा सकते हैं। HTML पढ़ने के लिए यहाँ देखिए मैंने टैग बनाए हुए, यानी जो ब्रैकेट्स आपको दिख रहा है इसको हम टैग बोलते हैं। और HTML में सारे टैग डबल टैग होते हैं, यानी इसको हम ओपन टैग बोलते हैं, और जो स्लैश के साथ लिखा हुआ है इसको हम क्लोज टैग बोलते हैं। यहाँ HTML का इसे हम स्टार टैग और एंड टैग भी कहते हैं। सिर्फ HTML को यहाँ स्टार टैग और HTML टैग कहेंगे, बाकी सारे अपने ओपन टैग और क्लोज टैग कहलाते हैं। जहाँ हमने स्लैश नहीं लगाया हुआ है यानी सिंपल लिखा हुआ है इसको हम ओपन टैग बोलते हैं, और जहाँ हमने स्लैश लगाया हुआ है इसे हम क्लोज टैग बोलते हैं। इसके HTML के बाद हम यह यूज कर रहे हैं इसमें हेड। हेड में हम अपनी कोई भी एक्सटर्नल फाइल को लिंक कर सकते हैं, जैसे आप आगे पढ़ेंगे इसमें CSS, जावा स्क्रिप्ट या PHP, आगे आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वो सारी फाइल का हम लिंक दे सकते हैं, या अपन इसमें इनलाइन इंटरनल CSS या जावा स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं वो भी हम हेड के अंदर यूज़ करते हैं। मेनली हेड का काम होता है हमारे इस प्रोग्राम को हमारा सिस्टम समझ ले और ब्राउज़र पर रन करा ले, यानी चला ले। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा हुआ है टाइटल। टाइटल के बाद मैंने दो चार डॉट लगाए, उसके बाद टाइटल को क्लोज किया, यानी कि हम जो अपना वेब पेज बनाने वाले हैं या वेबसाइट बनाने वाले हैं उसका टाइटल यानी नाम क्या देने वाले हैं। जैसे आप गूगल खोलते हो, याहू खोलते हो, रेडिफ, फेसबुक, कोई भी आप वेबसाइट ऊपर खोलते हो तो देखते हो उसके टाइटल बार में उस पेज का या वेबसाइट का नाम रहता है। इसी तरह से आप आपके वेब पेज या वेबसाइट का क्या नाम देना चाहते हैं वो हम टाइटल में लिखेंगे, क्योंकि नाम हमारा छोटा सा ही रहेगा। उसके बाद हमने टाइटल को क्लोज किया, उसके बाद हेड को क्लोज करेंगे। इसके बाद यहाँ बॉडी हमने स्टार्ट की, बॉडी के अंदर हम सारा कंटेंट यानी अपना डेटा, यानी जो भी हमें टेक्स्ट टाइप करना है, जो भी हम आउटपुट में शो कराना चाहते हैं, ब्राउज़र पर हम आउटपुट देना चाहते हैं, वो सारा डेटा हम यहाँ बॉडी के बीच में लिखेंगे। बॉडी के बीच के उसके बाद हमारा जब हमारा डेटा कम्प्लीट हो जाएगा तो यहाँ बॉडी को क्लोज करेंगे और देन HTML से हम क्लोज करते हैं। ये हमारी HTML लैंग्वेज जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, यानी कि आप इसे स्मॉल या कैपिटल लेटर्स में टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आपके सिस्टम में नेट होना भी कंपलसरी नहीं है। आपके पास सिस्टम में नेट नहीं है, आप सिंपल नोटपैड पर टाइप कीजिए और ब्राउज़र पर रन करा सकते हैं। यहाँ पर एक मैंने छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है, कुछ बेसिक टैग्स इसके कुछ इस तरीके से हैं। जैसे मैंने लिखा HTML, हेड, टाइटल में दे दिया माई फर्स्ट वेब पेज, टाइटल को क्लोज किया, देन हेड को क्लोज किया, बॉडी। अब इसके बाद मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है बी, यानी बी टैग हम यूज करने वाले हैं। और बी के बाद मैंने यहाँ लिखा है कंप्यूटर, यानी मुझे कंप्यूटर वर्ड जो है बोल्ड लेटर्स में चाहिए, तो इसके लिए मैंने यहाँ बी टैग को क्लोज किया। उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखा हुआ वो एक नॉर्मल टेक्स्ट में आएगा। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा हुआ बी आर यानी ब्रेक लाइन। इसके बाद लिखा हुआ है मशीन। अब जब
हम HTML पढ़ते हैं या वेब पेज बनाते हैं तो इसमें हमारे एंटर का इफेक्ट नहीं होता। वन टाइम, टू टाइम या 100 टाइम भी हम एंटर देंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। डेटा हमें कोई भी टेक्स्ट या डेटा या लाइन कुछ भी हमें नेक्स्ट लाइन में लाना होता है तो BR टैग का हम यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा है मैंने आई, आई का मीन है इटैलिक। कोई भी टेक्स्ट हमें इटैलिक फॉन्ट में चाहिए तो हमें आई टैग लगेगा। और उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है यू, यानी कि जब हमें टेक्स्ट कोई भी बोल्ड लेटर्स में चाहिए तो हम यू टैग, वो यू से अंडरलाइन में चाहिए तो यू अंडरलाइन में लेने के लिए हम यू टैग का यूज करेंगे। चलिए आपको एक छोटा सा HTML का प्रोग्राम मैं आपको बनाकर सेव करके बताती हूँ। सिंपल, यहाँ हमें अपना नोटपैड खोलना है। नोटपैड आपके सिस्टम में होगा, आप नोटपैड ओपन कीजिए। प्रोग्राम बनाने के लिए यहाँ आपको टैग क्रिएट करने रहेंगे। सिंपल आपको HTML लिखना है, इसके बाद हेड, टाइटल। आप किसी भी एडिटर का यूज कर सकते हैं, जैसे हम सिंपल नोटपैड का भी यूज कर रहे हैं। आपके पास यदि नोटपैड प्लस प्लस है या सब लाइन टेक्स्ट एडिटर है, आप किसी भी का भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने टाइटल को क्लोज किया, हेड को क्लोज किया, इसके बाद हमने बॉडी स्टार्ट की। यहाँ मैंने बॉडी टैग को क्लोज किया, देन HTML टैग को क्लोज किया। अब एक हम सिंपल टेक्स्ट टाइप करते हैं। ओके, अब हमारी फाइल सेव करने की प्रोसेस को देखिए। फाइल पर जाएंगे, सेव एज। जब हम पहली बार अपनी फाइल को सेव करेंगे तो हमेशा सेव एज का यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो गया है, ये देखिए। इसके बाद आप अपनी फाइल कहाँ सेव करना चाह रहे हैं, डी ड्राइव में, डॉक्यूमेंट्स में, डेस्कटॉप पे, आप कोई भी प्लेस चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ से डेस्कटॉप चूज किया। अब आप आपकी फाइल का यहाँ नाम लिख दीजिए, जो भी आप नाम देना चाहें। मैंने फाइल का नाम NCC दिया। और आपको एक नोट ध्यान देना है कि .html लगाना कंपलसरी है। जब तक आप आपकी फाइल में .html नहीं लगाएंगे, वो फाइल आपकी ब्राउजर पर ओपन नहीं होगी। यानी नेट से कनेक्ट करने के लिए, यानी ब्राउजर पर रन कराने के लिए आपको आपकी फाइल में .html लगाना कंपलसरी रहेगा। मैंने .html लगाया और देन सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, मैंने यहाँ एक ऑप्शन ओपन आ गया आपके सामने। यहाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम से मैंने अपनी फाइल NCC नाम से सेव की थी, तो NCC नाम से दिख रही है। और हम इस पर डबल क्लिक करके अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने अभी NCC इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी टाइप किया, वो हमारे सामने आ चुका है। मैंने टाइटल में NCC इंस्टीट्यूट दिया था तो हमारे पास यहाँ टाइटल भी आपको शो हो रहा है। आगे के टैग देखने के लिए, अब मुझे कोई भी टेक्स्ट बोल्ड लेटर में चाहिए तो हम यहाँ बी टैग लिखेंगे। उसके बाद जो भी हमें टेक्स्ट चाहिए, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा और बस मुझे इतना ही चाहिए, तो मैंने बी टैग को क्लोज किया। फाइल पर जाएंगे। फाइल पर जाने के बाद हम केवल सेव पर क्लिक करेंगे, सेव एज पर नहीं। पहली बार फाइल जब सेव करते हैं तो सेव एज, और अगेन सेव करने के लिए ओनली सेव पर क्लिक करेंगे। ब्राउजर पर आ गए। इधर आकर आप रिफ्रेश करके देखिए, हेलो स्टूडेंट्स बोल्ड में आ गया। अब आप देख रहे हैं इसी लाइन में कंटिन्यूअस है, जबकि मैंने यहाँ जब टाइप किया तो नेक्स्ट लाइन में लिखा। मुझे नेक्स्ट लाइन में डेटा लाने के लिए BR टैग लगाना रहेगा। मैंने यहाँ BR लिखा, देखिए अगेन मैंने सेव किया। आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एस भी क्लिक कर सकते हैं। ब्राउजर पे जाकर एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए, डेटा नेक्स्ट लाइन में आ गया।
इटैलिक टाइप के लिए आई लिखा मैंने यहां, यह मैंने स्लैश आई से क्लोज किया और एक बार आप अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको ये फॉन्ट अच्छा नहीं लगता तो आप फॉर्मेट पर जाएंगे, फॉन्ट पर जाएंगे और यहाँ से आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज, ओके। नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए हम बीआर टैग का यूज करेंगे। यू से अंडरलाइन, मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी कर ले रही हूं और देन स्लैश यू, अगेन फाइल पर जाएंगे, सेव पर या कंट्रोल एस पे क्लिक करेंगे। ब्राउजर पर जाकर आपको रिफ्रेश करना है। ये देखिए हेलो स्टूडेंट बोल्ड लेटर में आ गया। एनसीसी इंस्टीट्यूट सेकेंड लाइन में जो लिखा हुआ है वो आपका इटैलिक है और नेक्स्ट लाइन वाला आपका अंडरलाइन। ओके थैंक्स।